हेलो दोस्तों, डॉग्स जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोगो अर्जेंटिनो वर्सेस पिटबुल के बारे में। दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल बैठेगी और किस कंडीशन में बैठेगी, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट तक। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है, भाई पिटबुल भी एक पावरफुल डॉग ब्रीड है, डोगो अर्जेंटिनो भी एक पावरफुल डॉग ब्रीड है, दोनों में से हम किसकी तरफ जाएँ जो कि घर के लिए भी ज़्यादा अच्छी रहे और हर एक कंडीशन में हमारे लिए बेस्ट बैठे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखो, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ निकल के आती है कि दोनों ही डॉग में से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही डॉग ब्रीड इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई डॉग ब्रीड थोड़ी कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग के मामले में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप सीरियस होकर ट्रेनिंग दोगे तो पिटबुल सीख जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से सिखाओगे तो डोगो अर्जेंटिनो और पिटबुल के में कंपेयर करें तो डोगो अर्जेंटिनो कंपेरेटिवली थोड़ा जल्दी सीख जाता है नॉर्मल ट्रेनिंग पे भी। लेकिन वहीं पे आपका पिटबुल थोड़ा सा, मतलब आप एडवांस एक थोड़ा, अगर आपने आज से पहले डॉग हैंडल करे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप उसे इजीली ट्रेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और उसे ट्रेंड करना चाहते हो घर पर, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, वहीं पर डोगो अर्जेंटिनो थोड़ा सा ईजी रहेगा। अपार्टमेंट लिविंग के लिए दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड सूटेबल है? दोनों में से कोई भी डॉग ब्रीड सूटेबल नहीं है। रीज़न क्या है? दोनों ही डॉग ब्रीड को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। लेकिन अगर आप पिटबुल को रखना चाहो, एक बारी को रख सकते हो पिटबुल को आपको, लेकिन उसका एक्सरसाइज का ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर। सवेरे शाम वॉक पे लेके जाओ, अगर नहीं ले जा सकते तो दोनों डॉग ब्रीड आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप बेखाम में डोगो को लेके रख लोगे ना अपार्टमेंट में, वो भागेगा भी तो भी उसे स्पेस चाहिए। वहीं पे पिटबुल थोड़ा मीडियम साइज की डॉग ब्रीड होती है, उसे इतना स्पेस नहीं चाहिए घर के अंदर, लेकिन उसकी एनर्जी बर्न होने के लिए आप उसे वॉक पे ले जाओ या फिर बाहर घुमा लाओ या डॉग ट्रेडमिल ले लो, तो उस पर उसका काम चल जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों डॉग ब्रीड वैसे सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी रखना चाहते हो, पसंद है दोनों में से, तो आप डोगो की तरफ ना जाके पिटबुल की तरफ चले जाओ, वो कंपेरेटिवली बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब हम बात करते हैं दोनों में से कौन सी डॉग की कितनी ग्रूमिंग होती है। दोनों ही डॉग इजी टू ग्रूम है, मतलब इनकी अगर आप वंस अ वीक भी कॉम करोगे तो भी काम चल जाएगा। बस आपको जब इनका शेडिंग सीजन होता है उस टाइम हफ्ते में दो बारी कर देना कॉम को, बाकी इनकी ग्रूमिंग ज़्यादा नहीं होती। दोनों ही डॉग को आप इजीली हॉट क्लाइमेट में रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ठंड के टाइम आप इन्हें कपड़े पहना देना, वरना इन्हें ठंड लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इनका शॉर्ट कट होने के चलते। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान दे के रखना है। इन दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा अच्छी? गार्ड डॉग ब्रीड है। गार्ड डॉग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गार्डिंग का काम प्रॉपर आपका कर देंगे, आपको सोचने की दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको खाली इस चीज़ का सोचना है, अगर आपके पास ऐसा है कि आपको थोड़ा घर में छोटा डॉग चाहिए कॉम्पैक्ट साइज़ का जो गार्डिंग काम कर ले, तो आपको पिटबुल की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपको साइज से दिक्कत नहीं है, तो आपको बड़े साइज़ का डॉग का पसंद है और आप उसे रखना चाह रहे हो, तो आप इस केस के अंदर जा सकते हो डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो इस केस में आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित होगी, क्योंकि वो फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड है, पिटबुल भी फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड है। बच्चों के साथ रखने के लिए अगर बात करें तो दोनों ही डॉग का अगर आप बचपन से रखते हो, प्रॉपर सोशलाइज कराते हो, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दूसरे डॉग्स के साथ कंपेरेटिवली पिटबुल थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, वहीं पर डोगो अर्जेंटिनो दूसरे डॉग्स के लिए थोड़ा सा कम एग्रेसिव है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, अपने डॉग को बचपन से अगर आप पिटबुल लेके आ रहे हो तो सोशलाइज ज़रूर कराओ, बेवजह वो किसी के ऊपर अटैक ना कर दे, बच्चों के ऊपर या किसी और पे, तो अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकते हैं। आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, भले आप डोगो लो या पिटबुल लो, सोशलाइजेशन दोनों ही डॉग के लिए इंपॉर्टेंट है इनके इस केस में। अब बात करते हैं दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड आपके फार्म हाउस की गार्डिंग कर लेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग ब्रीड है, आपकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आके बात खत्म होती है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा डॉग ज़्यादा सूटेबल बैठ रहा है, क्या आपको बड़े साइज़ के डॉग की रिक्वायरमेंट है, डॉग की तरफ चले जाओ, सीधी बात है। लेकिन अगर आपके फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए देख रहे हो तो यहाँ इस केस के अंदर पिटबुल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और डोगो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं इक्वल पॉइंट दूंगा दोनों ही डॉग ब्रीड को, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कि डोगो ज़्यादा अच्छा रहेगा पिटबुल ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों डॉग के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों ही डॉग में से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा हेल्दी है, इस इधर बात करते हैं। इधर मैं आपको कहूँगा पिटबुल कंपेरेटिवली हेल्दी है और पिटबुल का लाइफ स्पैन भी कंपेरेटिवली डोगो अर्जेंटिनो से ज़्यादा है। अगर आपको एक लंबे लाइफ स्पैन का डॉग चाहिए, एक हेल्दी डॉग चाहिए, तो आप पिटबुल की तरफ से चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोगो अर्जेंटिनो में कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी हेल्दी डॉग ब्रीड है। लेकिन कंपेरिजन कर रहे हैं इसके चलते मैं आपको दोनों डॉग ब्रीड में डिफरेंस बता रहा हूँ। लास्ट नॉट लीस्ट, प्राइस कितना पड़ता है, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे आके ख़त्म होता है कई लोगों का कि भाई हम तो प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं। डोगो अर्जेंटिनो का अगर प्योर पप्पी लेने जाते हो तो आपको 30,000 प्लस से ही स्टार्ट होएगा, वहीं पे आपको पिटबुल 10,000 में ही आपको, या फिर आपका 15,000 तक में एक अच्छी क्वालिटी का पप्पी
मतलब जिसके प्योर कहते हैं ना, वो प्योर पप्पी आपको मिल जाएगा। ये होते हैं इनके प्राइस रेंज। हाँ, अगर आप थोड़ा कलर मार्किंग ज़्यादा देख रहे हो, उसकी लाइन वाइन देख रहे हो, तो वो स्टार्टिंग प्राइस इतना लेके चलना 10-15 हज़ार का। उसके ऊपर वो कितना भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 10-15 हज़ार में ही आपको मिलेगा। अगर आप एक अच्छा डॉग लेने जाओगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी कंपेरेटिवली। सेम केस डोगो के अंदर है, लेकिन डोगो आपको कंपेरेटिवली महंगा भी पड़ेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप डोगो लेते हो तो आपको उसके मल्टीविटामिन, कैल्शियम, इन चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये आप लेके चलना। दोनों ही डॉग की डाइट बराबर होती है, मतलब बराबर इन द सेंस, अगर आप रॉ खाना खिलाते हो तो उतना ही डोगो अर्जेंटिनो खाता है, उतना ही पिटबुल खाता है। बल्कि पिटबुल थोड़ा कंपेरेटिवली कम ही खाएगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खा रहा है डोगो अर्जेंटिनो से। बाकी आपके एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी पसंद करते हो अपने डॉग को, हाइकिंग या रनिंग पे लेके जाना चाहते हो, तो उस केस के अंदर पिटबुल थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिटबुल काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक डॉग ब्रीड है। वहीं पर डोगो अर्जेंटिनो आपके साथ नॉर्मल वॉक तो कर लेगा, लेकिन ज़्यादा दूर दौड़ नहीं पाता। इस चीज़ को भी आपको ध्यान दे के रखना पड़ेगा। ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए हो गए होंगे कि आपको डोगो की तरफ जाना चाहिए या फिर पिटबुल की तरफ जाना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सुटेबल बैठी पिटबुल और डोगो अर्जेंटिनो में। नेक्स्ट वीडियो किस डॉग ब्रीड पर चाहते हो कमेंट करके वो भी बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन दी वे है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।